press the bell icon on the YouTube app and never... फारूक अब्दुल्ला क्या थे? वो मुसलमानों के सीएम बन करके बैठे हुए थे, वो वजीर डिस्को चलाया करते थे कश्मीर में, उनकी अयाशियां हुआ करती थी, जहां पर एयरफोर्स ऑफिसर मारे जाते थे वो टेबल टेनिस और ये सब खेला करते थे, वो आराम से, उन्होंने नाम रखा था वजीर डिस्को, उनकी जो अयाशियां चलती थी फारूक अब्दुल्ला की, उन्होंने नाम रखा हुआ था वजीर डिस्को। जब वैली में, कश्मीर के वैली में जब 5 लाख से ऊपर पंडितों को मारा जा रहा था, तो फारूक अब्दुल्ला आपको पता है क्या कर रहे थे? वो गोल्फ खेल रहे थे, गोल्फ खेल रहे थे वो। जब कश्मीरी पंडित की बेटियों का नरसंहार हो रहा था, बलात्कार हो रहा था, तो आपको पता है वो क्या कर रहे थे? वो जश्न मना रहे थे, वो जश्न मना रहे थे। मेरे पास ऐसे कई मिसालें हैं, जैसे नीलकांत गुंजू क्यों मारा गया उसको? तो आप ये मत सोचिए कि कुछ, जैसे आप युवा हैं, एक युवा रिपोर्टर है पाकिस्तान की, और आप पाकिस्तान, सभी को जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है इंडियाज भारत पे। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम आपके लिए एक इंटरेस्टिंग और एक दमदार वीडियो लेकर आए, जिसमें आप देखेंगे कि भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का जहाज पाकिस्तान की एयर स्पेस में 46 मिनट तक रहा, जिसे लेके पूरे पाकिस्तान में बवाल मचा हुआ है। तो इसी पे आप देखेंगे पाकिस्तान के मशहूर पत्रकार और यूट्यूबर शैला खान को, जो कि इंटरव्यू लेंगी भारत की बेटी और सुप्रीम कोर्ट की दबंग वकील नाजिया लाई खान जी का, जो कि अपने दमदार और बेबाक अंदाज के लिए जानी जाती हैं। तो ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होगी, आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा, तो इसे अंत तक देखें। और चैनल पे नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि हम आपसे लेटेस्ट इंपॉर्टेंट और दमदार वीडियोस लाते रहें। तो चलिए पहले ये वीडियो देखते हैं और अंत में इसके बारे में बात करेंगे। जय हिंद जय भारत। लगता है कि जिस तरह से 40 मिनट को कंसीडर करें और आने वाले कुछ महीनों को कंसीडर करें, तो क्या इंडिया और पाकिस्तान के ताल्लुकात आपको बेहतर होते दिखाई दे रहे हैं? जैसे पाकिस्तान के अंदर टेररिज्म को स्टॉप करने के लिए ज़र्बे इस्तेहकाम भी स्टार्ट किया हुआ है, बहुत सी चीज़ें ऐसी चाइना के कहने पर भी की जा रही हैं, तो आपको क्या लगता है कि क्या कोई प्लस पॉइंट दोनों कंट्रीज के रिलेशनशिप में आपको दिख रहा है? उसके बाद फिर हम यूक्रेन पर भी बात करेंगे, लेकिन पहले ये जवाब, आपको क्या लगता है? शना, अगर आपको कोई व्यक्ति रोज गाली दे, रोज आपका बुरा करने की कोशिश करे, और आपकी पिछली जिंदगी में भी आपका बहुत बुरा कर चुका हो और आपकी उसमें कोई गलती ना हो, तो उसके बाद भी आप सामने वाले को चांस देंगे, इसका मतलब है कि सांप को दूध पिलाने की बात हो जाती है। इसका तो साफ मतलब होता है ना। आप सोचिए कि 1950, 1960 में, 1970 में हमारा जम्मू एंड कश्मीर आप साइड नहीं रख सकते हैं, जम्मू एंड कश्मीर को अभी इस मोमेंट पर, हमारा जम्मू एंड कश्मीर कितना खूबसूरत था, कितना वाकई में जन्नत था, और बहुत मुश्किल से 2019 में 370 खत्म होने के बाद फिर से जन्नत हुआ। फारूक अब्दुल्ला क्या थे? वो मुसलमानों के सीएम बन करके बैठे हुए थे, वो वजीर डिस्को चलाया करते थे कश्मीर में, उनकी अयाशियां हुआ करती थी, जहां पर एयरफोर्स ऑफिसर मारे जाते थे वो टेबल टेनिस और ये सब खेला करते थे, वो आराम से, उन्होंने नाम रखा था वजीर डिस्को, उनकी जो अयाशियां चलती थी फारूक अब्दुल्ला की, उन्होंने नाम रखा हुआ था वजीर डिस्को। जब वैली में, कश्मीर के वैली में जब 5 लाख से ऊपर पंडितों को मारा जा रहा था, तो फारूक अब्दुल्ला आपको पता है क्या कर रहे थे? वो गोल्फ खेल रहे थे, गोल्फ खेल रहे थे वो। जब कश्मीरी पंडित की बेटियों का नरसंहार हो रहा था, बलात्कार हो रहा था, तो आपको पता है वो क्या कर रहे थे? वो जश्न मना रहे थे, वो जश्न मना रहे थे। मेरे पास ऐसे कई मिसालें हैं, जैसे नीलकांत गुंजू क्यों मारा गया उसको? तो आप ये मत सोचिए कि कुछ, जैसे आप युवा हैं, एक युवा रिपोर्टर है पाकिस्तान की, और आप पाकिस्तान के माहौल को बहुत अच्छे से देख रही हैं, समझ रही हैं, तो आपके दिमाग में एक पॉजिटिव वाइब्स आ रहा है कि भारत के प्रधानमंत्री जो है वो 46 मिनट उन्होंने पाकिस्तान के हवाओं में गुजारा है, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि अब बाकी देशों की तरह या अरब की तरह हमारा इस्लामिक कंट्री पाकिस्तान भी रिफॉर्म होने के कगार पर आया है? आप युवा हैं, आप सोच सकती हैं, लेकिन अब शैला आप इसको अपने ऊपर रख करके सोचिए कि आपकी उम्र मान लीजिए कि 25 साल है या 28 साल है, तो आपको कोई 18 साल से गालियां दे रहा है, 18 साल, 10 साल छोड़ दीजिए, 18 साल की उम्र से कोई आपको गालियां दे रहा है, आपका बुरा करने की कोशिश कर रहा है, आपके लिए फेक एंड फैब्रिकेट स्टोरी बना करके लोगों को दिखा रहा है, क्या आप उसको माफ कर करके आप उसके साथ अच्छे रिलेशन बना सकती हैं? अगर आप उसका बुरा नहीं कर सकती हैं, तो आप उसके साथ अच्छे रिलेशन भी नहीं बना सकती हैं। और वो अच्छा रिलेशन अगर कोई बेवकूफ व्यक्ति बनाता है,
तो फिर वो सांप को दूध पिलाता है और वो बेवकूफ। लेकिन रियासत का दिल तो नहीं होता ना, रियासत तो पॉलिसी से चलती है ना, ये तो हमारी जज्बाती टॉक्स हो जाती है ना, इसने मेरे साथ बुरा किया। तो जैसे बांग्लादेश की बात करें, बांग्लादेश के अंदर जिस तरह से इंडिया के खिलाफ नारे काफी लगे कि जो है इंडिया मतलब अच्छा नहीं है और इंडिया की इन्वॉल्वमेंट रहती है, इसलिए उन्होंने शेख हसीना को भगाया। लेकिन जैसे बांग्लादेश के अंदर फ्लड आया तो भारत ने वहां पर भी अपना रिलीफ पैकेज दिया, वहां पर एड अपनी भेजी। तो रियासत का तो दिल नहीं होता है। लेकिन एक चीज यहाँ पर ये भी मैं आपसे पूछना चाहूंगी, हमारे मीडिया में तो इस 40 मिनट का बहुत शोर मचा, आपकी मीडिया में इस 40 मिनट को किस तरह से कंसिडर किया जा रहा है? हमारे मीडिया में इस 40 मिनट का कोई जिक्र ही नहीं है, कोई भी जिक्र नहीं है। इवन पोलैंड से फ्लाइट निकली थी, पोलैंड में भी कोई जिक्र नहीं है। इवन जियोपॉलिटिक्स के जितने भी बड़े मेनस्ट्रीम चैनल्स हैं, उसमें सिर्फ आई थिंक 20 सेकंड की ये बात कही गई है कि पाकिस्तान के हवाओं में 40 मिनट 46 मिनट जो है वो एयरक्राफ्ट जो है वो तैर रहा था। सो इट्स ऑल राइट, क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी जो लोग करते हैं, भारत की सरकार के दिल में उनके लिए कोई मोहब्बत है भी नहीं और होनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि ये मोदी की सरकार है, ये कोई कांग्रेस की सरकार नहीं है, ये कोई नेहरू जी या कोई असदुद्दीन अवैसी सरकार के चेयर पर नहीं बैठे हुए हैं या राहुल गांधी जी सरकार के चेयर पर नहीं बैठे हुए हैं जो रहेंगे भारत में लेकिन पाकिस्तान से अपना प्रचार करवाएंगे। ये मोदी जी हैं, क्रिस्टल क्लियर। तुम बुरे हो, तुम अपने आप को सुधारो तब मुझसे बात करो, ये बहुत क्रिस्टल क्लियर है मोदी जी का। और आपने कहा कि रियासत का कोई सीना नहीं होता है या रियासत का कोई ऐसा नफरती चीज नहीं होता है। देखिए, पाकिस्तान को आपके इमरान खान ने ही कहा था कि वो ट्रेड के रिलेशन हमसे नहीं रखेंगे, हमने नहीं तोड़ा था, हमने नहीं खत्म किया था। बहुत सारे रीजंस होने के बावजूद भी बहुत ज्यादा पाकिस्तान ने हमारे भारत के खिलाफ बहुत सारी साजिशें करने के बावजूद भी ये भारत नहीं था जिसने कहा कि हम ट्रेड के रिलेशन आपसे खत्म कर रहे हैं। ये आपके पूर्व वजीर आजम इमरान खान ने ही कहा था कि वो भारत से ट्रेड के रिलेशन खत्म करना चाहते हैं। उसके बाद हालिया में शायद आपने मेरे उस न्यूज पर आपने रिएक्शन भी बनाया था कि आपका ही एक आर्मी ऑफिसर कह रहा था कि इस्लाम में मुसलमान तब मुकम्मल होगा पाकिस्तान का जब नरेंद्र मोदी को के कमर में रस्सी बांध करके घसीट करके लेकर आएगा। फिर हालिया में ही यासीन मलिक की बेटी को बिठा करके आपके अभी के जो वजीर आजम है उन्होंने आजादी का नारा लगवाया था 12 साल की बेटी से। उसके बाद फिर अभी पता नहीं कौन गुमनाम भगवान के रूप का कोई आदमी है जो 28 से 30 टेररिस्ट को मार गिराया है और आपकी सरकार ने इंटरनेशनल कोर्ट और यूएन को जाकर के कहा है कि हमारे यहाँ भारत का कोई आदमी घुस करके हमारे आतंकवादियों को मार रहा है। मतलब व्हाट इज दिस बुलशिट, आप तो एक्सेप्ट कर रहे हो कि आप आतंकवादी रखते हो, हमारे यहाँ घुस करके हमारे आतंकवादियों को मार रहा है, मतलब दिस इज बुलशिट। अब जैसे यूएस पूछता था वो आतंकवादी नहीं कह रहे, पाकिस्तानियों को मार रहे, तो वो उनका तो पूरा शिजरा है भाई, उनका तो पूरा इंटरनेशनल कोर्ट में तो उनकी पूरी फाइल है कि वो आतंकवादी हैं। तो हमारे लोग को मार रहे हो तो मतलब वो तो आतंकवादी आपके हैं, है ना, आतंकवादी आपके हैं। अब एक व्यक्ति अरेस्ट होता है और उसके नाम से 12-13 FIR होते हैं और कोई आकर के खड़ा होता है बोलता है ये तो मेरा आदमी, तो भाई तेरा आदमी अक्यूज था 12 केसेस का, तेरा आदमी तो जुड़ता है बिल्कुल, है ना। तो अब जैसे ओसामा बिन लादेन को पूरा हेवन दे करके रखा था, उसके बाद फिर हाफिज सईद को ऑपरेशन गुडबाय में आप देखो सबको कह दिया, पूरी दुनिया को पाकिस्तान ने कहा कि नहीं हमारे पास तो जेल में है हाफिज सईद। उसके बाद जब ऑपरेशन गुडबाय हुआ तो पता चला कि भाई वो कराची के एक बहुत खूबसूरत बंगलों में था, आराम से अय्याशियां लपेट रहा था। अभी भी आप लोग कह रहे हो कि दाऊद इब्राहिम आपके पास नहीं है, बट आई एम डैम श्योर कि दाऊद इब्राहिम आपके पास है, इवन द वर्ल्ड नोज कि दाऊद इब्राहिम आपके पास है। और इस बात की पुष्टिकरण आज नहीं कल ये यूएन भी कर देगा कि दाऊद इब्राहिम आपके पास है, क्योंकि दाऊद इब्राहिम को धक्के मार कर करके जलील कर करके अरब ने भी निकाल दिया था, बाद में वो दुबई में रहना स्टार्ट किया था तो दुबई से भी उसको लात मार करके निकाला गया है। तो दाऊद इब्राहिम को जमीन निगल नहीं गई, आसमान उड़ा के नहीं लेकर के चला गया, तो डेफिनेटली आपने रखा हुआ है जैसे आपने उसामा बिन लादेन को रखा हुआ था। तो जैसे जैसे जम्मू एंड कश्मीर और पीओके में हमारा इलेक्शन स्टार्ट होने का वक्त आ रहा है,
वैसे वैसे हम तो सतर्क होंगे ना, क्योंकि द वर्ल्ड नोज वेरी वेल अबाउट पाकिस्तान। पाकिस्तान वो है जो अपनी अवाम को भूखा रखता है, पाकिस्तान वो है जो अपनी अवाम को नंगा रखता है, पाकिस्तान वो है जो अपनी अवाम को अपने एड़ियों के नीचे दबा करके रखता है। और ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान की सरकार और आर्मी सिर्फ माइनॉरिटी को ही अत्याचारित करती है। आज आप आपके लोग भूखे मर रहे हैं तो क्या आप अत्याचारित नहीं हो रहे हैं? अरे गधा बेच करके भी बुलेट और बॉम्ब आता है पाकिस्तान में, गधा बेच करके भी बुलेट और बॉम्ब आता है, अवाम के लिए खाना नहीं आता है। तो ऐसे सिचुएशन में शाला वो जो 46 मिनट है उसको आप पॉजिटिव ना लेकर के आप ये सोचे कि आपकी सरकार और आर्मी अगर मिली है भारत, हमारे भारत के प्रधानमंत्री जी से, तो भैया बहुत अच्छे से क्लास लगी है उनकी, बड़े जबरदस्त तरीके से भैया समझ जाओ। ठीक है, ये आपका पॉइंट है, लेकिन मैं यहाँ पे ये भी कहूंगी कि देखिए हमें इन हुक्मरानों से इख्तलाफ हो सकता है, उनकी पॉलिसीज के अगेंस्ट हम हो सकते हैं, आवाज उठा सकते हैं, लेकिन पाकिस्तान से हमें कोई इख्तलाफ नहीं है, हमारा मुल्क है। और क्योंकि जैसे आपने कहा कि अच्छी पॉलिसीज मुल्क का नाम जो है वो रोशन करती हैं, और जो क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म की आपने बात की, ये मुद्दा वाकई हवा में उड़ाने वाला नहीं है, बहुत ज़्यादा सीरियस मैटर है, और हम सब पाकिस्तानियों को और हमारी गवर्नमेंट को इसके ऊपर ओपनली बात करनी चाहिए कि या तो हम फिर सपोर्ट कर रहे हैं या फिर हम सपोर्ट नहीं कर रहे, ताकि लोगों को जो हमारा विजन है वो क्लियर हो। और यही वजह है कि जिसकी वजह से हमारा पासपोर्ट भी जो है वो इंटरनेशनल वर्थ अपनी खोता चला जा रहा है, क्योंकि हम दहशतगर्दी के खिलाफ भी हैं और फिर कुछ मशकूक किस्म के लोग भी यहाँ पर पाए जाने का इम्कान मौजूद है। लेकिन आपकी बात ठीक है कि ये 46 मिनट जिसको बहुत ज़्यादा हाइप पाकिस्तानी मीडिया की जानिब से दी जा रही है, ये इतने इम्पॉर्टेंट नहीं है। अगर इम्पॉर्टेंट है तो ये कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच बायलैटरल टॉक कैसे शुरू की जाए, और ये भी हो सकता है शायद कहीं ना कहीं कि कुछ मुलाकात भी हुई हो, क्योंकि नून लीग जब भी आती है पाकिस्तान में तो मोदी साहब तो डेफिनेटली आते हैं। तो इसको 2015 से भी जोड़ा जा रहा है कि तब भी मोदी साहब का जहाज आया था बिना बताए, और अब भी मोदी साहब का जहाज बिना बताए 40 मिनट के लिए आया, तो कहीं ना कहीं ये कड़ी जुड़ती जरूर है। लेकिन खैर ऑडियंस बहुत समझदार है, बाकी का हम उन पे छोड़ते हैं, और मुझे नाजिया खान को दे इजाजत। और ये प्रोग्राम बहुत इंपॉर्टेंट था क्योंकि मेरे अंदर बड़ी क्यूरियोसिटी थी कि भारतीय मीडिया के अंदर क्या प्रोग्राम में, दुआ में याद रखे, गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू सो मच नाजिया जी फॉर योर प्रेशियस टाइम, थैंक यू, वंदे मातरम भारत माता। दोस्तों आशा करता हूँ कि वीडियो को आपने अंत तक देखा होगा, और हमेशा की तरह नाज़िया अली खान जी का दमदार और बेबाक रिएक्शन आपको काफी पसंद आया होगा, और इस वीडियो में आपको बहुत कुछ जानने को मिला होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर जरूर कर दें, और अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं, हमें आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। और एक बार फिर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि हम आपके लेटेस्ट इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल वीडियोस लाते रहें। तो चलिए फिर मिलेंगे ऐसी किसी जबरदस्त और दमदार वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, जय हिंद जय भारत।